शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखना अलका दीदी, अब आएगा मजा। अच्छा मैंने कहा रोक। अगर डॉक्टर के पास जाना भी हुआ तो हमारे पति है हमारे पास। तुम्हें किसने हक दिया? तुम कौन होते हो? मेरी अंजलि को कोई चोट पहुंचाए और मैं उसे छोड़ दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर तुम मुझे अपना पति मानती हो और मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें ये वाइन तो पीनी पड़ेगी। तुम्हारा पति हूं तो तुम्हें मेरे साथ पीनी पड़ेगी। थोड़ी सी पियेंगे, फिर केक काटेंगे। गोपाल, ये देखो, अब ऐसे ग्लास को घुमाओ, टकराओ, चीयर्स। क्या? चीयर्स। चीयर्स। जी प्लीज अपनी कसम वापस ले लीजिए ना, हमने कभी ये सब नहीं किया। अगर तुमने एक बार और मना किया ना तो मैं तुम्हें डबल कसम दे दूंगा। जय गोपाल। भी तैयार हो गए। हमें प्यार करना भी आता है और बदला लेना भी। मोहब्बत कवे पार दरिया है तू, सुना है कि सुनता है तू, कब से पत्थर सा दिल हुआ तेरा, इबादत यहां सर झुकाए करूं, अजानों पे सजदे करूं, क्या सच में खुदा तू मेरा हो जा रूबरू, तो चैन से सुकून से मरूं, हो जा रूबरू के आखिरी सांस मैं भरूं, हो जा रूबरू, तो चैन से अभी कहाँ धर्म पत्नी जी, केक काटना बाकी है। हम इस केक को फ्रिज में रख के आते हैं। बैठिए। I'm waiting. इस वक्त मामी के कमरे की तरफ क्यों जा रहा है?
दुश्मनी नहीं थी आपसे, पर अंजलि को नुकसान पहुंचाकर आप मेरी दुश्मन नंबर वन बन गई हो। सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी मामी। ये करना क्या चाहता है? मेरी अंजलि को करंट लगाना चाहती थी ना, अब मैं जैसे ही इस तार को सॉकेट में डालूंगा वैसे ही चम्मच के थ्रू करंट जाकर सीधा मामी का काम तमाम कर देगा। बाय बाय मामू। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है, सजा तो उसको देनी पड़ेगी ना अंजलि। सॉरी अंजलि, पर ऐसे जान से मार दूंगा। इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोचा भी कैसे? सजा देना चाहता था मैं उसे, तुमने उसे क्यों बचाया? मर जाने देना चाहिए था उसे। देखो तुम उन्हें सजा देने वाले हो, पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, क्यों मैं पागल? तुम्हारे लिए पागल हूं मैं। अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि अब तक क्यों नहीं आई? अरे बताओ तो सही, कहाँ ले जा रही हो तुम? जहां कहोगी मैं वैसे ही चल पड़ूंगा। कहाँ जा रहे हैं हम? जागो दगाबाज, तुमने तो हमारी सारी खुशियां छीनकर बरसों से हमारी रातों की नींद उड़ाई है। कौन मुझे अननोन नंबर से बार बार कॉल कर रहा है? जैसे ही दिन भर ब्लैंक कॉल आते रहे और अब रात को भी, इसी की क्या दुश्मनी हो सकती है मेरे साथ? तुम इस वक्त यहाँ, आपको पता है आपका आदित्य करंट लगाकर मामी को मारना चाहता है। तू ऐसा कैसे कर सकता है? यजी प्लीज, यजी आपको हमारी कसम दी है ना हमने, छोड़ो। हमने कसम दी है ना, उसे मत पूछा कीजिए, शांत। आप बड़ी बातें करती है ना कानून की। आदित्य ने किसी को जान से मारने की कोशिश की, या तो आप इसे जेल भिजवाइए या फिर इस घर से निकाल दीजिए। आवाज नीचे। हमने कहा या तो इसे जेल भिजवा दीजिए या फिर इसे इस घर से निकाल। आवाज नीचे। ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। और तुमने पूरी बात नहीं बताई, आदित्य ने मामी के साथ जो भी करना चाहा, तुम्हारे खातिर। आदित्य तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता है और तुम? वाह, कमाल का न्याय है आपका। अगर प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स ना हो तो आप बुलडोजर चलवाने की धमकी देती, और अगर ये आपका लाडला किसी की जान लेने की कोशिश करे तो कोई कानून नहीं है। पहली गुनहगार तुम्हारी मामी है। मामी हमारी गुनहगार है, इसकी नहीं। और जब हम उन्हें माफ कर चुके हैं तो ये कौन होता है उनके कमरे में जाकर ऐसी हरकत करने वाला?
तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए किसी के कमरे में क्या? मैं तो पाताल लोक में भी चला जाऊंगा अंजलि। खबरदार, जो अंजलि का नाम अपनी जुबान पर फिर से लिया, समझो? यश जी, बस। एक शब्द और बोला तो तुम्हारे पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ेगी। कल के कल तुम सबको सड़क पर ला खड़ा करेंगे हम। अब तुम लोगों से हमें कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहां से। देखिए आप, चलिए चलिए। और आप, अभी भले ही आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके हम पे अपना हुकुम चला रही, लेकिन बात अगर हमारे परिवार पे आई ना तो हम और यश जी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए यश जी, चलिए यश जी। क्यों किया तुमने ऐसा? देखो, तुम्हें अपने आप को थोड़ा शांत रखना होगा। वक्त पर हर चीज अच्छी लगती है, और हमारा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। अंजलि, तुम्हें मुझे आज नहीं रोकना चाहिए था। आदित्य को घर से बाहर निकालने का एकदम परफेक्ट मौका था। उसने मामी की जान लेने की कोशिश की। हमारे पास कोई सबूत नहीं था यश जी। अगर वो आदित्य पुलिस के सामने जाके कह देता कि उसने कुछ भी नहीं किया है तो हम क्या करते? जो होता वो देख लेते अंजलि। हम उन दोनों के सामने इतने मजबूर हो गए कि यश जी, हमें अपने परिवार की खातिर हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। वो दोनों ताक लगाए बैठे हैं कि कब हमसे कोई गलती हो जाए और वो हमें परेशान कर सके। हम उनके बिछाए हुए एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे निकलने के लिए हमें अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करना होगा यश जी, ताकि ना सिर्फ हम अपने परिवार के साथ इससे निकल सकें बल्कि इन्हें इनके किए की सजा भी दिलवा सकें। लेकिन अंजलि, मत भूलिए कि आदित्य भी इस घर का वारिस है। यश जी, आपकी बुआ का बेटा है। तो मामला बहुत नाजुक है यश जी, प्लीज प्लीज यश जी, घर में किसी को पता चल गया तो सब खौफ में आ जाएंगे यश जी। फिर टेंशन में आके अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो फिर मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो यश जी शांत हो जाइए, बस इतना याद रखिए कि जब यश अंजलि साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है। अपना नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहना, तभी तो हम अपना सपना पूरा कर पाएंगे। कल जब से हम गिरे बार बार पेट में दर्द हो रहा है।
बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा किया कि तूने मेरे कहने पर साड़ी पहन ली। मैंने अपनी मर्जी चलाकर देख ली मम्मी, अब मैं वही करूंगी जो आप और पापा कहेंगे। मेरी बच्ची नजर ना लग जाए तुझे, बस मुझे बता दीजिए कि करना क्या है। लड़के वालों के सामने चाय ले जाकर शर्माते हुए जाना, बाजार के समोसों के लिए कहना है कि ये मैंने बनाए हैं, उनके कहने पर गाना गाना है, मुझे क्या क्या आता है वो सब बड़ा चढ़ाकर बताना है। मैं सब कुछ कर दूंगी, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि लड़के से अकेले में बात कर लो। हाँ हाँ, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं मम्मा, बस एक यही बात मैं आप लोगों की नहीं मान सकती, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप दोनों जिसे पसंद करेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। नहीं नहीं, ऐसे बेमन से तुझे हमारी कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। बेटा तू लड़के से बात तक करने से मना कर रही है, कैसे होगा? हाँ, आप लोगों ने उसे मिलकर ही तो मेरे लिए चुना होगा ना पापा। हाँ बेटा, वैसे तो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, परिवार अच्छा है। बेटा उसका प्रोफाइल देखकर लगा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। बस आप भरोसे की बात मत करना पापा, बचपन के दोस्त हैं आप और मुकेश अंकल, उनसे अच्छा परिवार किसी का हो सकता है क्या? और उनका बेटा, इतना भरोसा करती थी मैं यश पर, उसने मिनट में मेरे भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। रिश्ता भले ही टूट जाए पापा, लेकिन भरोसा नहीं टूटना चाहिए। क्या हुआ पापा, कहीं आप सपने तो नहीं देखने लगे? छोड़ दीजिए ये सपने देखने की आदत पापा, क्योंकि जब ये टूटते हैं ना तो आदमी भी टूट जाता है। ये बार बार मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? बोलो मम्मी, समोसे आप बनाएंगी या छज्जू हलवाई से मंगवाने हैं? आप लोग कौन हैं और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अभिनय शुरू किया है अंजलि, और आपका नाम? जी, हमारा नाम अंजलि गर्ग है। ये क्या है? आपके खिलाफ नोटिस। हमारे खिलाफ नोटिस? जी, लेकिन हमने किया क्या है? आपने बिना लीगल परमिशन से अपना कारोबार शुरू किया और उसे तुरंत बंद करना पड़ेगा। आप सरकार की परमिशन के बगैर घर के अंदर कोई भी उद्योग शुरू नहीं कर सकती। आपके पास आज तक का टाइम है, अंदर जो भी जरूरी सामान है उसे तुरंत बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये कल तक सील हो जाएगा। जी लेकिन हम तो बहुत छोटे पैमाने पे अपना काम शुरू कर रहे हैं। सॉरी मैडम, बिना लाइसेंस के आप कोई भी काम शुरू नहीं कर सकती है। अरे लेकिन, अरे आप हमारी बात तो सुनिए, देखिए आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम आपको समझा दें। चलिए। अरे लेकिन देखिए हमारी बात सुनिए, हम ले लेंगे परमिशन, आप हमारा काम तो बंद मत करवाइए। नोटिस लगा दिया, कल तक सील हो जाएगा। आप लोग जा सकते हैं। ये सब आपने करवाया, लेकिन क्यों?
कल बड़ी जबान लड़ा रही थी हमसे तुम। हमसे पंगा लोगी तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कर सकती है? हम बेवजह बात तो कर नहीं रहे थे, कानून का पालन करने के लिए कह रहे थे। याद रखना, अगर हमारे साथ ऊंची आवाज में बात करने के बारे में सोचा भी तो हम तुम्हारा जीना दूभर कर देंगे। मिस यश गर्ग, ये सोच के परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि काम शुरू होने से पहले खत्म हो गया, बल्कि इसे ऐसे देखो कि हमें 4 दिन की छुट्टी मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं यशी? हम 4 दिन में सारे लीगल पेपर्स बनवा लेंगे और इन 4 दिनों के लिए मैंने कुछ सोचा है। लेकिन क्या सोचा है आपने, हमें बताइए तो सही। हम शादी के बाद हनीमून पर तो गए नहीं, तो क्यों ना हम ये 4 दिन अपने हनीमून के लिए यूज कर लें। हम मालदीव जा सकते हैं जहां वीजा ऑन अराइवल है। आप बताओ, बुक करूं फ्लाइट टिकट्स? फ्लाइट से? यशी, हम आज तक कभी फ्लाइट में नहीं बैठे। लो फिर कल ही बिठाते हैं आपको। मेरी बिजनेस वुमन के पास पासपोर्ट तो रेडी है ना? हाँ, पासपोर्ट तो लाला जी ने रिचा के साथ ही हमारा भी बनवा दिया था, हमारे बैग में रखा। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से जाके पासपोर्ट रेडी करो, पैकिंग करो और मैं फ्लाइट बुक करता हूँ। जाओ 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 जाओ। हाँ। See you। मैं तुझे और अंजलि को हनीमून पर नहीं जाने दूंगा यश। बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।